Hello friends, welcome to my channel in our gardening experience में. तो friends, मैं आज अपने garden का overview दिखाना चाहती हूँ और उसके साथ मेरे garden का जो update है वो भी आएगा. और मैंने garden के जो plant और planters है तो वो धूप के हिसाब से कैसे manage किए है वो भी दिखाना चाहती हूँ. और देखिए अभी तो लॉकडाउन चालू है इसलिए मुझे ग्रीन लाइट लगाना था तो वो भी अभी पॉसिबल नहीं है. तो उसी के हिसाब से मैंने ये सभी प्लांटर्स रखे हैं. मतलब जिन जिन प्लांट्स को अभी धूप बर्दाश्त होती है तो वो इस वॉल के पास है सभी जो मैं दिखाना चाहती हूँ वो. और जो प्लांट्स ये देखो शेड लविंग प्लांट्स है तो वो यहाँ पे रखे हैं वो वॉल के पास. तो यहाँ पे थोड़ी सी धूप आती है सुबह की बिल्कुल एक या दो घंटे. मैंने यहाँ पे सभी शेड लविंग प्लांट्स भी यहाँ पे शिफ्ट किए हैं. तो ये देखिए यहाँ पे भी ये जो है ये उस दो दिन पहले का वीडियो है. तो सभी शेड लविंग प्लांट्स यहाँ पे थे तो यहाँ भी बहुत धूप आती थी दोपहर में. तो ये कुछ विंडो के प्लांटर्स और ये देखिए कुछ चेंजेस किए हैं. आप लेफ्ट साइड को देख रहे होंगे सभी शेड लविंग प्लांट्स मैंने रखे हैं जो भी वॉल के पास है. तो यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती. एक घंटा सुबह की आती है उसके बाद बिल्कुल भी नहीं आती. और राइट को जो प्लांटर मैंने रखे हैं तो उन्हें भी और जो भी प्लांट्स उनमें है तो उन्हें धूप बर्दाश्त हो रही है अभी तक की अप्रैल की. तो वो सभी यहाँ पे रखे हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये देखो मेरे मैंगो का जो प्लांट है 5-6 साल पुराना है लगभग. ख़रीदा था तब बस छोटे छोटे आम लगे भी नहीं थे उसे. तभी 3-4 आम लगे हैं. तो पूरे यहाँ से मैंने जो भी है धूप वाले जो भी बर्दाश्त कर सकते हैं वो रखे हैं. सभी फ्लावरिंग प्लांट से हिबिस्कस रोज़ प्लांट और फ्रेंड्स पिटूनिया भी अभी जो धूप है वो अभी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन वो भी मैंने शिफ्ट कर दिए हैं लास्ट में. वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे. और ये जो प्लांट है डोंकी स्टेल ये तो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है धूप में तो इसका मैंने प्लेस चेंज नहीं की. मॉस रोज को तो दिन भर धूप में रखा तो उसके लिए अच्छा ही है. ये तो समर का ही प्लांट है मॉस रोज. ये देखिए इसी तरह से ये धूप आती है. और अभी मेरे राइट हैंड साइड से सभी शेड लविंग प्लांट्स है जो भी है ऑर्नामेंटल प्लांट्स. और ये मैंने रोज प्लांट भी रखा है यहाँ पे. और ये देखो यहाँ पे भी सामने जो है एंट्री है घर की तो हाफ पार्ट शेड वाला है और हाफ पार्ट पूरे यहाँ पे यहाँ 2 घंटे धूप आती है. तो ये जितने भी प्लांट्स है वो धूप में अभी चल रहे हैं अच्छे से. ये सभी और स्नेक प्लांट एलोवेरा है बेबी सन रोज है रियो है और बहुत सारे जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट है वो अभी तक तो अच्छी तरह से चल रहे हैं. एरोहेड है जो सिंगोनियम है मेरे पास 2-4 है वैरायटी तो ये भी अच्छी तरह से चल रहे हैं. ये देखो पिंक वाला भी है छोटे पत्ते वाला है और ये पूरा ग्रीन वाला है सिंगोनियम. तो अभी तक तो ये 2 घंटे की धूप इन्हें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती इनका.
और ये जो है टैंगल हार्ट है, बेबी सन रोज, बेबी टीयर्स, ये भी धूप में है, डायरेक्ट धूप में है। और यहाँ पे अभी ये वॉल के पास मैंने अभी एक ही रखा है, ये बोनसाई जो हो रहा है तैयार, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है फाइकस का बोनसाई, तो ये नीचे वाले जो ब्रांचेस है वो मैं हटा देने वाली हूँ, लेकिन बारिश के बाद में, तो ये कटिंग करने के बाद ये कटिंग बेस नहीं हो जाती, अभी तो ये नहीं लग रही है, इसलिए मैं ये आफ्टर रेन ही करने वाली हूँ। तो भी फिर भी इसे 2 साल लगेंगे अच्छी तरह से डेवलप होने में। और ये देखो पिटूनिया के प्लांट भी मैंने इस तरह से लगा लिए हैं, तो ऐसी तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है ये पूरा गार्डन मेरा। कुछ ज़्यादा प्लांटर्स नहीं है फ्रेंड्स मेरे पास, इतने ही है, तो भी ये संभालने में भी इनका जो वाटरिंग है उनका ख्याल रखना है वो भी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पे अभी पिटूनिया को ज़्यादा धूप में ही नहीं लगेंगी, क्योंकि ये फ्लावर्स के जो कलर है तो वो डल हो जा रहे थे, इसलिए ये भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो इसी तरह से हमें धूप के हिसाब से हमारे जो प्लांट्स है तो उन्हें अरेंज करना चाहिए। तो आप भी आपके गार्डन के जो भी पौधे हैं तो उन्हें भी ऐसे धूप और छाव के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास अभी भी नेट नहीं हो। और फ्रेंड्स एक मैं बता दूं कि मई में अगर ज़्यादा ही धूप हो गई या आपके पूरे प्लांट्स टेरेस पे हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, इनके अगर नेट नहीं हो आपके पास तो आप नेट के इंस्टेंट वो अपने जो साड़ियाँ होती है पुरानी साड़ियाँ उसका भी शेड बना सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर वैसे ही किया था और मेरे प्लांट्स बचा लिए थे। और ये देखिए मेरा जो भी है किचन गार्डनिंग के 2-4 पौधे हैं मेरे पास, तो ये है नींबू का पौधा, 6 साल पुराना है ये, तो भी अच्छी तरह से नीम आ गए, नींबू आ गए हैं इसे, ये देखिए बहुत सारे आ गए हैं। वो करी लीव्स का पौधा है, एक अजवाइन का है। और हाँ फ्रेंड्स अगर मई में ज़्यादा धूप हुई तो मैं भी इसे थोड़ा सा शेड प्रोवाइड करने वाली हूँ पूरे मेरे गार्डन को। हाँ जो ये प्लांटर्स है वो मुझे बहुत ही पास रखने पड़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज बताइए, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।